If you could say one thing to God, what would you say? परिणीति नाल मिला दो भाई साहब, तो घर पे जाके होने वाला है, वाइफ को बताए. ओके, do you consider yourself as a boring or a fun person? No, I am fun person, but depend in the group company. If I am with my wife, I am very boring. According to her or? According to her. Okay. What is the biggest lie that you have ever told someone? I told my wife that I bought it for 10 lakh rupees. अब बता दिया? अभी तक नहीं पता. I told her कि कुछ राज राज रहने चाहिए. Don't ask me, but हाँ, अगर consider करना तो around 10 lakh rupees. जबकि it's much more. और अगर ये interview देख लिया तो? No problem. That is the biggest lie. Okay. Hello and welcome back once again to Raz Khan Show. मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है. Today I'm gonna introduce you one of the renowned YouTuber. I'm sure you guys must be thinking who is the personality, because आप लोगों की बहुत ही इसरार के बाद और इतनी डिमांड के बाद मैंने भी बहुत कोशिश की उनको अपने शो पे लाने के लिए. तो प्लीज़ वेलकम वन ऑफ द रिनाउंड पर्सनैलिटी एंड यूट्यूबर मिस्टर जसविंदर फ्रॉम जेएस फिल्म. Jasminder Singh, welcome to Shiraz Khan Show. Most welcome. Ji. Finally. Finally, I am here. Finally, after so long. Yes. मतलब मुझे इतनी खुशी तो किसी और मतलब सेलिब्रिटी से मिलके भी नहीं जितनी आपसे हो रही है. क्या बात है, क्या बात है. ये सिर्फ देखो आपका बड़प्पन है. हम हैं कुछ भी नहीं और सब आपकी नजरों से हैं. सिंपल सी है, बाइकर हैं. प्यार आपने दिखाया हमें अपने शो पे लिया, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है. नहीं सर, ये मतलब ये आपकी मोहब्बत है जो आप हमें इतनी इज्जत से नवाज रहे हैं. और फाइनली इन्होंने बहुत अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा वक्त निकाल पाए. और जेंटली ये बहुत बिजी थे और ऐसा नहीं था कि ये आप मुझे एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, तो हमें मौका मिला. और मैं आपको बता दूँ, ये जितने आप लोग देख रहे हैं इन लोगों की इतनी डिमांड थी, इतनी अच्छा। डिमांड थी. मैं कोई भी इंटरव्यू डालूं वो सिर्फ एक बात कहते थे, भैया जे एस पाजी को लाओ, जे एस पाजी को लाओ, जे एस पाजी. मैं कहता हूं भाई कहां से लेकर आऊं जब वो खुद इतने बिजी हैं, मैं उनको कैसे मना के लेकर आऊं. नहीं देखो, आपके शो पे तो आना था, जैसे लोग वेट करते हैं कपिल के शो पे जाने के लिए. आई वाज जस्ट वेटिंग कि कब आप अपने शो पे मुझे लोगे. एंड सेकंडली सबका प्यार है ऑब्वियसली, वो मेरे को बुला रहे हैं और उन्होंने ही यहाँ तक पहुँचाया, तो ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दे वॉन्ट टू लिसन टू द स्टोरीज एंड लिसन मोर, जो उनको शायद नहीं पता आपके शो के थ्रू उन तक पहुँचने वाला है. एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल जेएस पाजी, चलो शुरू करते हैं आपकी एक जर्नी के बारे में. लाइक मैं पहले बात करता हूँ आपकी कुछ फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशन के बारे में आप बताएं हमें. सी, मैं ग्रेजुएट हूँ फैमिली बैकग्राउंड में. लड़कों में सिर्फ मैं ही ग्रेजुएट हूँ. और इस पे एक हैप्पी एंड सैड स्टोरी है जो मेरे दादाजी थे. okay. वो बोलते थे कि भाई तू पढ़ लिख जा, क्योंकि जितने लड़के हैं सब निकम्मे हैं. Alright. सब जो बच्चियां हैं, जो लेडीज हैं, सब कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है. लड़के ना चाहते हुए 10वीं 12वीं तक काम अपना छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के काम में लग जाते हैं. Exactly. बट तू ग्रेजुएशन पूरी कर, तू डिग्री ले गया. Right. तो मेरे दादाजी बोलते थे और उड़ीकते थे. लकीली बिना फेल मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी. अब मैं डिग्री की वेट कर रहा था, बाय पोस्ट आती है. एंड उन्हीं दिनों में मेरे जो दादाजी हैं एक्सपायर हो गए. एंड जब उनके लिए पाठ रखा था घर में, तो मान लो सिर्फ 2 दिन लेट आई वो डिग्री. मुझे आज भी वो चुपता है कि वो 2 दिन पहले आती तो उसको देख के जाते थे, उनको बहुत खुश होते हैं. एग्जैक्टली, क्योंकि उनको ये चाह था कि कोई तो लड़का. बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए उनके फैमिली में बहुत बड़ी बात थी. फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि कह लो कि सपोर्टिव है फॉर श्योर, बट ऐसा नहीं था कि किसी भी दिन में बोला कि पापा बाइक चाहिए, पापा ये बिजनेस खोलना है. क्योंकि मेरे फादर का जो बिजनेस है वो है स्कूटर मैकेनिक. और आप सोच सकते हो कि कितनी पे होती है या क्या होती है, बट एनी हाउ वो टाइम कुछ और था. लोग सपोर्ट उस टाइम पे पापा को भी करते थे. बिकॉज क्या था ना, अभी हम जो जॉब वाला जनरेशन है, हमें पैसों से परवाह नहीं है. हम चाहे स्विगी जोमेटो से मंगवाते हैं, बोलते हैं चलो 40 एक्स्ट्रा लग जाए, 100 रुपये एक्स्ट्रा लग जाए, बट हमें अपना कंफर्ट देखना है. Exactly. पहले ऐसा नहीं था, पहले लोगों को पैसे बचाने थे. तो लोग क्या करते थे कि जो सर्विस स्टेशन है वहाँ पे वर्कशॉप्स पे जाके नहीं काम करवाते थे, लोकल मैकेनिक से करवाते थे. एब्सोल्युटली. सो उनकी हार्डवर्क से ही हमने अपना घर बनाया और उन्होंने हमें अच्छी एजुकेशन दी. एंड सबसे बड़ी बात, उनका जो एक बड़ी सोच थी ना, उन्होंने बोला चलो मैंने तो ये काम कर लिया बट मेरे बेटे नहीं करेंगे. राइट. सो आज भगवान की दया से मैंने अपना काम खुद खोला, खुद स्टैंड किया. सपोर्ट रहा फैमिली का,
जो मेरा छोटा भाई है, लाइक हमारी फैमिली में हम दो हैं। हाँ, मैं उसी पे आने वाला था। तो छोटा भाई भी है, ही इज ऑल्सो डॉक्टरेट PhD किया है बायोटेक्नोलॉजी में, अभी भी बहुत सारी बड़ी फर्म्स को कंसल्ट करता है कि कौन सी मेडिसिन आनी चाहिए वर्ल्ड में। सो ही डज रिसर्च एंड एनालिटिक्स। बहुत टाइम वो बॉस्टन रहा है, कैनेडा रहा है, अभी बैंगलोर में है। सो माई फादर इज प्राउड कि चलो अच्छा डिसीजन था, बड़ी सोच थी कि यार ये स्कूटर की दुकान पर नहीं बैठना, जबकि मैं बैठा हूँ अपने शौक से। अच्छा, बैठे। और रियलिटी इज कि मेरी जैसे 12वीं हुई थी, उसके बाद जो अपर स्टडीज के लिए बीच में मेरे पास कुछ टाइम था, मैं शॉप पे बैठता था, पापा को बोलता था कि जाओ अब लंच करो घर जाके, 2-3 घंटे मैं दुकान पे बैठूंगा, मैं संभालूंगा गला, बेसिकली जहाँ पैसे रखते हैं, थोड़े पैसे रख लेता था जेब में, वो भी एक डिफरेंट स्टोरी है, पॉकेट मनी कम थी उन दिनों में, पापा का था ना अपना, टेंशन नहीं। बट मैंने पर्सनली लोगों की जैसे चेन टाइट करना या छोटे मोटे नट टाइट करना, मैंने वो भी किया अपनी शॉप पे। ओके। एंड वहाँ पे एक मौका मिलता था कि नई बाइक्स आते थे, जैसे नई बाइक उस टाइम पे बजाज पल्सर 180 220 कवर वाली F5 बोलते थे उसको, करिश्मा वाज अ सुपर बाइक, डोमेस्टिक सुपर बाइक। एंड ट्रस्ट मी, मैंने लड़के पापा से ली थी। अच्छा। मैंने ली थी जब करिश्मा का एक ग्रुप आया था, एक जो चैनल बना था रोडीज, एक शो आया था ना। एब्सोल्युटली। तो उस टाइम पे मैंने स्पॉन्सर किया था रोडीज को, करिश्मा ने शायद, हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने क्या किया था, वहां से इंस्पायर होकर मैंने ग्रुप फॉर्म किया था, क्योंकि मेरे पास में करिश्मा थी, मैंने ऐसे 30-35 लोग दिल्ली में इकट्ठे कर लिए थे जिनके पास में करिश्मा होती थी, और मेरे ग्रुप का रोल था कि सिर्फ करिश्मा वाले ही अलाउड हैं, ताकि एक आइडेंटिटिकल लगे। तो हम जहाँ से भी घूमते थे लोग आवाज़ें देते, ये रोडीज तो नहीं है, ये रोडी वाले तो नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी एक दौर था जो हमने देखा है। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ से रही आपकी? मेरी यहाँ से हुई GHPS हेमकुंड से, दैट इज क्लोज टू नेहरू प्लेस, दिल्ली से ही है मेरे, मतलब एक्चुअली फैमिली फादर जो है वो भी दिल्ली में ही बॉर्न हुए हैं। राइट। दादाजी ऑब्वियसली वो जब पार्टीशन हुआ तब इधर आए थे, एंड आई एम ऑल्सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हेयर ओनली, एंड मेरी स्कूलिंग ग्रेजुएशन सब यहीं से हुई है। सब यहीं से हुई है। हाँ, ओपन दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन हुई है। Okay. स्कूलिंग मेरी हुई है GHPS हेमकुंड से। ऑलराइट। अच्छा, और फैमिली में भाई और आपके अलावा और कौन कौन है? देखो, मॉम है, डैड है, अभी मैं शादीशुदा हूं, मेरी वाइफ है। अच्छा। अब बच्चे नहीं है क्योंकि अभी हम खुद बच्चे हैं। सच्ची बात यही है कि देखो, मतलब शादी थोड़ा जल्दी हो गई थी क्योंकि उस टाइम पे सब्र नहीं था। करेक्ट। बस प्यार हुआ, इजहार हुआ, फिर लव मैरिज हुई। लव मैरिज हुई है। वाह वाह, ये भी अच्छी बात है। 8 साल का अफेयर था, 8 साल हो गए शादी को लगभग। अब 8 साल के अफेयर के बाद भी शादी नहीं करेंगे तो कब तक? सीरियसली, तब जल्दी भी होती थी, हम बोलते थे मम्मी शादी करा दो, पापा शादी करा दो। शादी कितना टाइम हो गया? हो गए 8-9 साल हो गए। अच्छा, शादी को 8-9 साल हो गए और 8 साल का फेयर, मींस 16 ईयर ऑफ रिलेशनशिप। 16 इयर्स प्लस ऑब्वियसली, यस। वाओ। तो बस जल्दी शादी हो गई थी। कॉलेज का फेयर लग रहा है मुझे। हाँ, ये स्कूल का फेयर, स्कूल का फेयर है। अब वो कोइंसिडेंसली क्या, वो किसी और स्कूल में थी, हमारे स्कूल में शिफ्ट हुई, जो बस थी कॉमन बस थी स्कूल जाने के, तो मैंने देखा यार नई लड़की आई, तो 1 साल लग गया बटाने में। Oh. वो भी काउंट करोगे तो फिर 9 साल हो गए। Exactly. इधर से शिद्दत थी एक तरफ से, मतलब वो उधर से वो बाद में हुई, जैसे आपके साथ हुआ। मान लिया आपने, ये बात फाइनली एक्सेप्ट करी, बट माना पड़ेगा, आपने अच्छा फॉलो अप लिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, एंड इट्स फन Fun talking to you and telling the truth to the audience. Yes. मैं ये भी बता दूं कि मुझे ये पहले शख्स हैं जिन्होंने मुझे, मतलब ऑल द वे फर्स्ट टाइम कॉल पे मना कर दिया था इंटरव्यू के लिए। मैं ये लाइव बताने मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, right. क्योंकि इंसान को रियलिटी फेस करना आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बट हाँ, जब इनका हमारा पर्सनली एक इंट्रोडक्शन हुआ, right. उसके बाद से इन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मैं साथ बैठा हूँ। नहीं, बिल्कुल, मैंने आपका काम देखा है जी, बिल्कुल सराहना करता हूँ आपके काम की। शुक्रिया। बहुत अच्छे लोगों का इंटरव्यू लिया, तब जाके हमें भी लगा यार हमें भी आना चाहिए इस चैनल पे, हमारी शो बढ़ेगी। आप बहुत अच्छा करें, करते रहिए, और बहुत अच्छा, मतलब आप जो लोगों तक बातें आती हैं, क्योंकि क्या है ना, कैरेक्टर्स, एज यू सेड, कैरेक्टर्स क्या है जो स्क्रीन पे दिखते हैं, ऑफ स्क्रीन हर किसी का एक अपना जर्नी होता है, स्टोरी होता है, एंड दैट इज वेरी गुड टू शेयर, बिकॉज देखने वाले चाहे होंगे 1000, उसमें से 100 इन्फ्लुएंस होंगे, 100 में से 10 की लाइफ में शायद कुछ बदलाव हम लोग ला पाए। एब्सोल्युटली। मेरा मकसद आपको शो पे लाना ये था, जैसे आपने बताया, आपने शुरुआती दिनों में आपने बाइकों की चेन भी टाइट की है, आपने स्कूटर और बाइकों के साथ काम भी किया है, ठीक है, और आज अगर आप ये जो इतना बड़ा एम्पायर लेके बैठे हुए हो, तो ये एक लोगों के लिए इंस्पायरिंग स्टोरी है, हर उस इंसान के लिए जो सोचता है कि नहीं यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा। Right. क्योंकि हर इंसान हर कर सकता है, मगर उसकी शिद्दत और लगन। बिल्कुल सच बात है जी। मेरे को याद है, मेरे को पहली बाइक लेने में 5 साल लगे थे, एक मेरे चैनल पे बहुत फेमस मेरा डायलॉग भी है, अभी रिसेंटली 12 था जब मैंने 5वीं बाइक ली 1 साल में। तो अच्छा। मैंने बोला
पहली बाइक लेने में 5 साल लगे थे, अभी मैंने 1 साल में 5 बाइकें ले ली। क्या बात है। तो ऐसे में डायलॉग मारता रहता है। स्ट्रगल था 5 साल का, वो बहुत डिफिकल्ट था। अगेन फादर ने बोला चलो हमारे साथ नहीं करना है शॉप पे, कुछ करो। तो मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग सीखी। मैंने बड़ी बड़ी मॉडलिंग एजेंसीज इंडिया में, जो आप टीवी पे मॉडल्स देखते हो, उनके पोर्टफोलियोज मैंने बनाए हैं। उनका एक चीज होता है कॉम कार्ड, जैसे हम सीवी रिज्यूम में लेके जाते हैं। मैं जानता हूँ वो कॉम कार्ड, मॉडल्स का कॉम कार्ड, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई होती है, एक मोंटाज ऑफ पिक्चर्स, साथ में उनकी पूरे स्टैटिस्टिक्स। करेक्ट। ठीक है, कितना हाइट है, कितना वेट है, एवरीथिंग, कलर, आईब्रो कलर। ओके, तो मैं बनाता था मॉडल्स के लिए। मैंने नाम नहीं लूंगा, फेमस मॉडल सेलिब्रिटी के साथ मैंने काम किया है। वहां से निकल के देन आई ज्वाइंड अ वेबसाइट डिजाइन एजेंसी। मैंने 2 साल वहाँ काम किया। But that was your first like professional work that you have started. Yes. Website designing. Website designing was my professional career. मैंने यहाँ से शुरुआत हुई आपकी जर्नी की। 2 साल मैंने सीखा कैसे वेबसाइट बनती है, ई-कॉमर्स क्या होता है, कैसे, अभी अमेज़न वगैरह आए ही थे, अभी नया था, फ्लिपकार्ट चलता था, ईबे चलता था, अमेज़न का ऐसा नामो निशान नहीं था उस टाइम पे। देन आई लर्नड अबाउट इट, थोड़ा सा खुद के लिए वेबसाइट्स बनाई, लोगों के लिए बनाने शुरू करे, बहुत सारे बड़े नामी ग्रामी लोगों के लिए मैंने काम किया है। फिर अगेन पैशन टू मोटरसाइकिल्स इज कि मैंने टारगेट किया जो लोग फेमस थे बाइकिंग के अंदर में, उनको अप्रोच किया कि आई लव मोटरसाइकिल्स बट आई कैन हेल्प यू विद द डिजिटल थिंग, तो मैं आपके लिए वेबसाइट बना सकता हूँ। ओके, तो उसी फील्ड में मैंने जॉब भी करी है, वहाँ से छोड़ के मैंने अपना काम भी खोला। तो यहाँ से जर्नी थोड़ा सा टर्न लिया आपने मॉडलिंग से, आपने बाइकर्स को बाइकर्स को अप्रोच किया, बाइकिंग के स्टोर्स को मैंने बोला कि आपके लिए ई कॉमर्स में सॉल्यूशन बना सकता हूँ। बाइकिंग ग्रुप हैं दिल्ली में बहुत सारे फेमस, मैंने उनके लिए वेबसाइट बनाया और कुछ जगह पे फ्री में भी बनाया। बिकॉज क्या होता था, जैसे कुछ बाइकिंग में रिप्रेजेंट कर रहा है रेसर है, फास्ट रेसर है ट्रैक पे, बट ही इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन स्पॉन्सरशिप, सो आई यूज टू स्पॉन्सर देम फ्रॉम माई सर्विस कि भाई चलो मेरा कुछ लगना नहीं है बट आई हैव अ रिस्पेक्ट एंड पैशन फॉर यू, आई कैन हेल्प यू विद योर क्रिएटिव्स, तो वो मैं बना के उनको देता था। तो ऐसा भी किया है मैंने, लोगों के लिए फ्री में फोटोग्राफी करी है। अभी एक चीज़ और यहाँ पे बताऊंगा फोटोग्राफी से रिलेटेड, आज से 9 साल पहले मैंने पहला अपना बाइकिंग कैलेंडर लॉन्च किया, तो मैं फोटोग्राफी भी करता था एज अ फोटोग्राफर। मेरा सिर्फ एक मोटिव था कि मेरी फैमिली में, मेरी क्लोज फैमिली में आज तक किसी ने DSLR नहीं खरीदा था। मैंने 35,000 रुपये का कैनन 550D ईबे से खरीदा था। ओके। और घर में बहुत डांट पड़ी थी कि भी ये फजूल के पैसे तो नहीं खराब कर इन चीज़ों में, तो फजूल ही कहते हैं, मैं करूँगा। और तब क्या होता था, ऑर्कुट चलता था और फेसबुक अभी नया नया आया था। मैं लोगों को जो बाइकिंग के प्रोफाइल लगा के रखते थे उनसे अप्रोच करता था मैसेजेस में कि सर आई एम अ फोटोग्राफर, मेरे को आप थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपकी फोटो खींचूंगा फ्री में और ईयर एंड पे कैलेंडर बनाऊंगा। तो मैंने ऐसे 10-12 लोग कलेक्ट किए, कैलेंडर बनाया 2013 में अनऑफिशियली। उसमें मैंने 20-30 कॉपी करवाए क्योंकि नेहरू प्लेस जाके खुद की पॉकेट मनी से प्रिंट कराया, जिन जिन का शूट किया था उनको दिया और कुछ क्लोज। Correct. उस टाइम पे थोड़ा शवाबाजी भी थी कि अपने रिलेटिव्स को दिखाओ बच्चा करिकुलम एक्टिविटीज कर रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो बट 2014 में मैंने इसको थोड़ा प्रोफेशनली लिया, अगेन आई ट्राइड कि थोड़ा थीम बेस्ड कैलेंडर बनाते हैं। तो उस टाइम पे जो यूनिक बाइक्स थे कंट्री में उनको मैंने फीचर किया, फिर सिलसिला जारी रहा 15-16 तक। बट देन व्हेन आई ओपन्ड माय यूट्यूब चैनल, बट बिफोर यू स्टार्ट दिस जर्नी मैं एक बात ये पूछना चाहूंगा, मतलब जैसे दादाजी का सपना था कि यार एक बच्चा, एक लड़का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर डिग्री ले आए, तो कभी पापा का भी कोई सपना था कि बेटा ये काम तो ना करे जो मैं कर रहा हूँ, बट कुछ और ऐसा काम उनके दिमाग में था, जैसे छोटा भाई डॉक्टरेट कर रहा है, बहुत कुछ किया है, तो आपको लेके भी कुछ सपने होंगे? नहीं, होती हैं, बट उनको यही था कि मैंने देखो जल्दी शादी कर ली थी कि जो भी करूं ठीक ठाक कमाऊं, एक सुखी घरेलू जीवन जीऊं मैं सीधा। बट इवेंचुअली इवन देयर वाज लिटिल बिट ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम माय पेरेंट्स, बिकॉज मैं क्या करता था, अगेन एज अ सेट कैलेंडर बनाने के लिए जो मेरे को बंदा टाइम देता था वो संडे को देता था। अब अगर आपको 12 संडे चाहिए तो 3 महीने इसमें निकल जाते थे, है ना। अब पेरेंट्स को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों फ्री में तू अपना पेट्रोल फूंक के दूर दूर जाके फोटोशूट कर रहा है और कैलेंडर कंपाइल करके उनको डिलीवर करने जा रहा है बाय हैंड। सो व्हाट आर यू अर्निंग आउट ऑफ इट? आई टोल्ड देम कि इट इज माय पैशन एंड ड्यू टू माय फोटोग्राफी एंड ड्यू टू माय कैलेंडर एटलीस्ट मेरे को एक एक्सेस मिल रहा है ऐसी एग्जॉटिक बाइकों को हाथ लगाने का या गौर से प्यार देखने का, मतलब पास से देखने का। 2014 में जब मैंने थोड़ा इसको सीरियस लिया था, देन अगेन थोड़े से ब्रांड्स हमने कोशिश करी कि एटलीस्ट कोई लॉन्च पार्टी कर लें, कोई लॉन्च पार्टी वेन्यू में जो पार्टनर बन जाए, कोई प्रिंटिंग में पार्टनर बन जाए। तो somehow वहां से गाड़ी हमने चलाना शुरू किया जो अभी तक चल रही है। सो लास्ट मंथ ओनली आई लॉन्च्ड माय 9th एडिशन ऑफ JSM's लिमिटेड एडिशन कैलेंडर। वाओ। एंड ये मैं बनाता हूँ आउट ऑफ माय हॉबी ओनली,
और मतलब ये शौक, हाँ शौक है, देखो बाइकों से ही जुड़ा हुआ है। मतलब मेरा अगर आज का फ्रेंड जोन देखोगे, पर्सनल प्रोफेशनल एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ मोटरसाइकिल्स। वही सारा सर्कल है, वही लोगों से मिल रहा है, वही सर्कल है, वही कॉमन टॉपिक्स है, वही कॉमन पैशन है, एग्जैक्टली वही कॉमन नॉलेज है। पीपल नो अबाउट ब्रांड्स, पीपल नो अबाउट बेस्ट रूट्स, वही हमारा डिस्कशन का मुद्दा है। अब यहाँ से शुरू हुई 2016 से आपकी यूट्यूब जर्नी, बट जर्नी मैं कैसे शुरू हुई, कैसे आप यूट्यूब के बारे में सोचा, क्योंकि उस जमाने में मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब से ज्यादा फेसबुक ज्यादा लाइमलाइट में रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बहुत सच है इस बात में। मेरा एक्चुअली सेकंड ट्रिप था लद्दाख के लिए, मैं गया था 2014 में फर्स्ट टाइम, ओके 2016 में मैं सेकंड टाइम गया। अच्छा 14 में जो गए थे वो ऐसे घूमने गए थे या फिर कुछ और माइंड में था? नहीं नहीं, मैं ग्रुप के साथ गया था, बाइकर हूँ, बाइकर में काफी पुराना हूँ, ओके तो मैं पिछले 15 साल से ऊपर से बाइकिंग करता हूँ, मैं छोटी बाइक पे, ठीक है। तो 2016 में भी मैं छोटी बाइक पे गया था। कौन सी बाइक थी? दैट वॉज एवेंजर, एवेंजर पे, हाँ एवेंजर 220। बट मेरे ग्रुप में हम चार दोस्त थे, उनमें से एक के पास हायाबुसा थी। अच्छा, तो हम लोग खारदुंगला तक गए थे, वापस उतर रहे थे तो एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है मुंबई से, अच्छा उनकी वीडियो में हम कैप्चर हो गए। ऑलराइट, कि भाई उन्होंने एक किस्सा बोला कि भाई ये देखो कितने दिग्गज लोग हैं या कितने डेयरिंग लोग हैं, अपनी बाइक लेके यहाँ पे आए हैं। अब जब हम दिल्ली पहुंचे तो लोगों ने हमें फेसबुक पे मैसेज भेजा यूट्यूब लिंक का, कि हमने आपको इसकी वीडियो में देखा है। वाओ, हमने वीडियो देखना शुरू किया। और तब तक मेरा यूट्यूब पे जाने का एक ही रीजन होता था, या तो मूवी के ट्रेलर्स या गाने सुनने का। करेक्ट, मेरे को ब्लॉगिंग क्या होती है बिल्कुल नहीं पता था, पता ही नहीं। बाइक के ऊपर जो करते हैं उसे मोटो ब्लॉगिंग बोलते हैं, वो भी नहीं पता था। कैसे यूट्यूब रेवेन्यू मॉडल भी बन सकता है, वो भी नहीं पता था। करेक्ट, ठीक है। बट समहाउ मुझे लगा कि यार मेरा एक मिथ था कि जब हम वीडियो जनरली बनाते थे, जो भी छोटे मोटे फोन हमारे पास थे, टेक्नोलॉजी थी, हम दोस्तों को चुप करा देते थे, वीडियो ले रहा हूँ कि आवाज ना आए। ब्लॉग ने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, हमें समझ आया कि आपको एक्सप्रेस करना है। राइट, आप जो देख रहे हो आप बोलो, आपके साथ बोले, ये लोग देखना पसंद करते हैं स्टोरी के फॉर्म में। एंड देन बस इतना था, जब रियलिटी देखना पसंद करते हैं। हाँ, तो मुझे आइडिया क्लिक किया, मैंने कहा यार बाइकिंग में कब से कर रहा हूँ, कैमरा ही लगाना है, बोलना ही है, बोलने में शेर है, चलो ठीक है। दोस्त का कैमरा लिया, शुरू के कुछ ब्लॉग्स में रिस्पांस आने लगा। अब चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पांस, रिस्पांस होता है। एब्सोल्युटली, लकीली मेरा पैशन और मेरे कुछ कॉन्टैक्ट है, जिससे क्या था कि दिल्ली में जो भी बाइक लॉन्च थे, जैसे छोटे बाइक डोमिनर 400, KTM Duke 390, I was one of the first guys जिनको वो बाइक मिली रिव्यू करने के लिए, रिव्यू चलाने के लिए। हाँ बिल्कुल, मेरे को मिले। अब कहते हैं ना, नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। तो डोमिनर में मैंने एक वीडियो बनाया पहला ही, उसमें मैंने व्हीली मारी बाइक की और मैंने बोला मैंने व्हीली टेस्ट किया। Okay. आज तक बड़े बड़े न्यूज मीडिया चैनल ने कभी स्टंट करके टेस्टिंग नहीं करी मोटरसाइकिल, रिव्यू नहीं किया, मैंने कर दिया। अब इसके ऊपर थोड़ा क्रिटिसिज्म भी मिला, बट दैट वाज द फर्स्ट वीडियो व्हिच टच 1 lakh व्यूज एट दैट टाइम। फर्स्ट वीडियो ऑन YouTube? यस, ऑन माय चैनल टू टच 1 lakh व्यूज। वाओ, एंड एट दैट टाइम जब मेरे सब्सक्राइबर ही 2-4-5 हज़ार थे। करेक्ट, सो वहां से भी ग्रोथ मिली। देन लकीली एक वीडियो मिलियंस में गया था, दैट वाज अ कस्टमाइज हार्ले डेविडसन, उससे थोड़ा गेन हुआ। KTM आया जो 390 आया, इसका बहुत हाइप था, क्योंकि क्या है देखो, बड़ी बाइक्स का ऑडियंस है पर छोटी जो कम्यूटर बाइक्स हैं उसका हाइप बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। क्योंकि इंडियन बाइकिंग कम्युनिटी के लिए जब डोमिनर लॉन्च हुई थी, इट वाज अ बिग थिंग। 400cc वाज अ बिग थिंग, 390 वाज अ बिग थिंग विद द न्यू लुक्स, DRLs वाज अ वेरी न्यू थिंग। राइट, तो 2017 आते आते तक थोड़ा सा फैन बेस बना, 10,000 सब्सक्राइबर हो गए होंगे। बाय द एंड ऑफ 2017 इट टर्न्ड अराउंड टू 50,000 और 1 lakh। बट उसके बाद क्या हुआ, जो 2016 में लद्दाख मेरा जो दोस्त बाइक लेके गया था, He completed from one route only, कि भाई यहाँ श्रीनगर से गया, खारदुंगला किया, श्रीनगर से वापस आ गया। मेरे को आया कि यार 2016 में मेरे पास हायाबुसा थी तब भी, जब मैं एवेंजर पे गया था, क्योंकि बट पैसे नहीं थे, क्योंकि मैंने सारे पैसे लगा दिए थे बूसा को खरीदने में। मम्मी से भी 9 lakh रुपए लिए थे मैंने। उस टाइम पे 18.5 lakh की होती थी, अभी 15.5 की हो गई थी CBU असेंबल होने में। करेक्ट, तो पैसे नहीं थे, डेयरिंग नहीं था कि सारा पैसा लगा के अगर आपने एक रेसिंग बाइक ली है उसको आप लद्दाख ले जाओगे बिना बैकअप के, कहीं टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, गिर गई, एंड यू हैव नो मनी इन योर बैंक अकाउंट टू मेंटेन इट। मतलब जो पीछे बैकअप था वो तो कुछ है नहीं। 16 में नहीं था, बट 17 में जब थोड़ा फैन बेस बना तो मुझे लगा अब जसविंदर तेरे को करना चाहिए, डेयरिंग करना चाहिए। तो देन व्हाट आई हैव प्लान्ड इज अगेन टू डॉक्यूमेंट एंटायर थिंग। दोस्त यार रेडी किए, बाइक में कुछ भी ऐसे मॉड्स नहीं कराया हमने, स्टॉक लेके गए, एंड द टारगेट वाज टू कंप्लीट द सर्किट एंड बिकम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट द सर्किट।
सर्किट मीन्स यू हैव टू गो फ्रॉम वन साइड, लेट्स से ले लद्दाख, इधर गए श्रीनगर से लद्दाख पूरा घूमे, नुब्रा घूमे, पैंगोंग घूमे, एंड देन कम बैक फ्रॉम मनाली, दैट वाज अ मोर डिफिकल्ट. मैंने वो किया बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला चैनल पे कि मुझे याद है कि मेरे सब्सक्राइबर्स डबल हो गए जब मैं ट्रिप से वापस आया. और लोगों ने बहुत पसंद किया, बड़े अच्छे कमेंट्स किए, हमने फैमिली के साथ बैठ के देखी है, बिकॉज इट वॉज अ प्योर फैमिली कॉन्टेंट. मेरा शुरू से ऐसा है कि आई हैव, कह सकते हो कि कुछ गुड रूल्स ऑफ लाइफ की जो चीज़ मुझे नहीं दिखानी नहीं दिखानी, जबकि मुझे पता है दिखा के मुझे इससे व्यूज ज़्यादा मिलते हैं. I've seen people, they change the thumbnail, title, put something like that, जो मेरे लिए, मेरे को लगता है was never been an option. Exactly. क्लियर कंटेंट के साथ आगे चले, लोगों ने पसंद किया, थोड़ा बूस्ट मिला. तब भी मैं वेबसाइट डिजाइनिंग करता था. अच्छा, तब भी वो काम चल रहा है? वो फुल टाइम था और मेरा यूट्यूब सेकेंडरी था. राइट. बट देन आई इवेंचुअली स्टार्टेड अर्निंग आउट ऑफ इट. पहले वीडियोस में भी व्यूज नहीं आते थे तो इतना पैसा भी नहीं आता था. तो धीरे धीरे जब मुझे लगा कि यार ये रेवेन्यू मॉडल बन सकता है, तो मैंने अपना आईटी का फील्ड थोड़ा थोड़ा कम किया, ज्यादा ध्यान दिया रोड ट्रिप्स पे. तो जो नेक्स्ट ट्रिप मैंने मारा वो था भूटान, देन अगेन ऑन द हायाबुसा 2018. राइट. पीपल वेंट क्रेजी बिकॉज इट इज literally a different country and it's never happened before. It never happened before, the first busa to reach there, let's say. Correct. And then again well documented. तो लोगों को बहुत अच्छा लगा. And then there was a point कि no look back. मैंने ठान लिया कि यही करने का है. तो धीरे धीरे बाय 2020 हमने जो अपने सारे लास्ट के क्लाइंट्स हैं उनको, उनका जो भी credentials हैं, hand over the domain, hosting, emails, डेटा सब दिया, एंड फुल टाइम हम लोग इसमें आ गए. अभी तक का जो सबसे, मैं कहता हूँ मैं दो बातें पूछूंगा, लाइक सबसे पहले बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आज तक कोई टूर जो आपने किया उसमें सबसे बेस्ट टूर का एक्सपीरियंस कौन सा रहा, पहले तो आप ये बताएं हमारे. देखिए मैंने एक टूर किया था स्पीति लद्दाख कट्ठे, और वो भी हायाबुसा पे. तो उस टाइम पे मेरे को था कि सबने बोला था स्पीति बूसा पे इम्पॉसिबल है और उसके बाद लद्दाख तो डिफिकल्ट था ही. तो व्हेन आई डिड बैक टू बैक बोथ इन 12-13 डेज एंड आई अचीव्ड इट विदाउट एनी फॉल, नो ब्रेकडाउन, सो इट वाज वेरी मेस्मराइजिंग एंड वेरी ग्रेट मूवमेंट. एब्सोल्युटली. एंड देन अगेन द नेक्स्ट वन वाज कि मैं नॉर्थ ईस्ट गया था गुरु डोंगमार लेक बूसा लेके, और वो भी आज भी दिल के बहुत ही करीब है, बिकॉज आज भी खरे कहते ना शब्दों में पहली हायाबुसा जो वहाँ पहुँची थी. सो जो कुछ ऐसी चीज़ें मैंने करी कि जिसमें मैं बोल सकता हूँ लाइफ लॉन्ग की आई क्रिएटेड हिस्ट्री. करेक्ट. दे आर स्पेशल. अभी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ बाकी हैं, बट लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर विद जेएस. Sunrise or sunset? Sunset. What is the first thing you notice about someone when you meet them? Personality. What compliment does people give you the most? Again, I'm very honest, and whatever people see me on camera, I'm behind the camera is the same person. If you could be any animal, what would it be and why? I can be an elephant. Okay, why? Because again, elephants take care of their family. They love to be in the family and they take care of the rest of the gang. Okay. And they are helpful. Aggressive and calm at the very same time because they are the true king. If you could say one thing to God, what would you say? Parineeti naal mila do. Bhai sab to ghar pe jaake hone wala hai. Wife ko bataye. Okay. Do you consider yourself as a boring or a fun person? Nahi, I'm fun person, but depend in the group company. If I'm with my wife, I'm very boring. According to her or? According to her. Okay. What is the biggest lie that you have ever told someone? I told my wife that I bought it for 10 lakh rupees. Bata diya? Abhi tak nahi bata. I told her ki kuch raaz raaz rehne chahiye, don't ask me, but haan, agar consider karna to around 10 lakh rupees. Jabki it's much more than that. Aur agar ye interview dekh liya to? No problem. That is the biggest lie. Okay. If you could switch lives with any celebrity for a day, who would it be? Ranveer Singh. What are you passionate about? Food, motorcycles, travel, good friends, loyalty. What your greatest strength and weakness? Strength is I bounce back very good. Like obviously ups and downs life में होते हैं, but मुझे पता है जब मेरा down आता है उसके बाद जब मैं दोबारा उठता हूँ, so that is my strength कि मैं और अच्छा करता हूँ. अगर मैंने 5 दिन नुकसान किया business में तो मैं 10 गुना उसका काम करके आता हूँ. So and your weakness? वीकनेस अगेन आई एम इमोशनल. मे बी मेरी वीडियोज़ में झलकता नहीं झलकता, बिकॉज मैं हर चीज़ दिल से लगाता हूँ. अगर मेरे साथ कोई गलत भी करता है, मैं ह्यूमन ग्राउंड्स पे ज़्यादा सोचता हूँ इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकलिटीज़ और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू.
मैं सोचता हूँ कि अगर किसी को मैंने मौका दिया, टाइम दिया या कुछ भी है, तो आई फील मोर ऑफ अ पर्सनल थिंग फर्स्ट, कि मेरा एक वाइब आया था किसी बंदे के साथ में, उसने फिर ऐसा किया या ऐसा किया, तो दैट इज माई वीकनेस कि मैं यहाँ से कम सोचता हूँ यहाँ से ज़्यादा। इफ यू गो फॉर एडवेंचर ट्रिप विद होम यू टेक अलॉन्ग एंड वाई? देर मैनी पीपल बट द मोस्ट एडवेंचरस वन इज नकुल, ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज एक्सट्रीम पैशनेट अबाउट मोटरसाइकिल्स एंड देन ही राइड्स अ GSA एज वेल, और वो एक्सट्रीम करता है और उसने जैसा एक्सट्रीम मैं नहीं करता, तो मैं उसको देख के भी सीखता हूँ एंड आई वॉन्ट टू डू लाइक दैट, तो उसको लेके जाऊँगा एक्सट्रीम पे। इफ यू आर नॉट अ बाइकर और मोटो ब्लॉगर, व्हाट वुड यू बी? आई वुड बी DJ. DJ? Yeah. I love music, yaar. I even love dancing also. Although my physique and the kind of dance I do, it's not very good to watch. But still, I love techno. I love like ये जो after parties होते हैं, जो I forget the name, Tomorrowland, something like that. All right. I want to be the sunburn types. Yes. Crazy night outs. Good people, energy, young people, party all night. So वैसा एक profession होना मांगता था। Favorite drink? Drink में mojito I'm happy और lemonade I'm happy. I don't drink actually. People don't know. I don't take hard drinks. अच्छा, ये बड़ा important है। I don't take hard drinks. Very good. I'm always refreshed if I have mojito or then maybe fresh lime soda, sweet and salt. यार चाय कैसे भूल गया? Favorite drink is चाय। अच्छा। मैं तो गर्मी तो मौसम है ना, थोड़ा प्यास लग रही ना इंटरव्यू देते तो ठंडा जो दिमाग में चल रहा था वही। वो आगे दिमाग में। ठीक है। If you get a chance to talk to PM, what would you talk about? I'll tell him, भैया थोड़े से रोड पे जो रूल्स हैं, थोड़ा बख्श दो, बाइकें महंगी महंगी ली, कैमरे लगा दिए, इतने इतने पैसे दिए हैं, फॉरेन में मैं अभी जहाँ भी गया था, इतनी सस्ती हैं ये बाइकें, 200 गुना तो हम यहाँ पे वो टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद भी इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई हाईवेज नहीं है, इस चीज़ को कोई मोटर स्पोर्ट्स मानता नहीं है, अगर राइडिंग गियर में भी हम जाते हैं पुलिस वाला देखता है बोलता रेस कर रहे हो, उनको बेसिक अवेयरनेस नहीं है कि राइडिंग गियर हमारी सेफ्टी के लिए है। करेक्ट है ना, जैसे जब लड़ाई होती है तुम्हारी रैपिड फोर्स में, तुम एक हेलमेट पहन के आते हो, डंडा लेके आते हो, एक शील्ड लेके आते हो, दैट इज़ फॉर योर प्रोटेक्शन, राइट। इसी तरीके से जो हम पहनते हैं ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए। ओके ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट, अवेयरनेस होनी जरूरी है। यस एग्जैक्टली। Do you have any tattoos? No, not a single one. If you could secretly seek into one person's life, who would be? Parineeti Chopra. So 8 to 10 hours is what I generally sleep. Much needed. 11 हो जाए तो चंगा। चंगा। कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए। Your favorite car? See, I love Lamborghini. ठीक है। And practically Urus is a choice for me. Style, elegance, brand, sound and practicality. But ठीक है, the cool, hot body I have. So I am also comfortable with the Aventador or this. The other Lamborghini, those proper like sports cars. I'm happy with that, but I'm happy with Urus as well. Yeah. And lastly, आप शिराज खान शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि I love talking and you love talking too, and it was a pleasure. कैमरा ऑन है, ऑफ होता तो भी हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, बिकॉज आई लव टॉकिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड सो आई हैड गुड टाइम ऑन दिस शो एंड आई होप पीपल विल लव इट. Because जो बोला है दिल से बोला है and you are a great host and I've seen some of the videos, तो उसमें आपका production quality, editing quality, it has a taste, it's very good. Thank so you wish you all the best. आप बहुत सारे milestones achieve करो. एक दिन आप परिणीति का interview लो तो उनको बताना मेरे बारे में भी. 100% मैं लूंगा जरूर, मगर मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पे देखने वाले लोगों से बोलो कि ये interview को धमाल मचा के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो दोस्तों, अब आपको पता है करना है क्या, है ना, अब वीडियो में तो मैं आ ही चुका हूँ, तो पहले तो आपने एक अच्छा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, बिकॉज मैं यहाँ पे इतना कहूँगा, द काइंड ऑफ फॉलो ही हैज टेकन, द काइंड ऑफ इंटरेक्शन वी जस्ट हैड, इट्स टोटली डिफरेंट, नेवर एक्सपीरियंस, और इस चीज़ के लिए मतलब दोनों थम्स अप बनते हैं, इसीलिए सपोर्ट करना चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को शेयर करके आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाना.
थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द इंटरव्यू एंड द जर्नी ऑफ जे एस, और आप लोग बहुत इंस्पायर भी होंगे, बहुत सारे लोगों ने इनकी ज़िंदगी को जानने तो आप बड़ा आपको इंटरेस्ट था, फाइनली आपको पता लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और प्लीज़ लास्टली इसको शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बूम बूम।